बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड टिशू जिसको कम्प्लेक्स टिशू भी कहा जाता है, इसमें दो किस्म के टिशू आपको नज़र आएंगे, जाइलम और फ्लोयम। आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिशू है, फ्लोयम फूड कंडक्टिंग टिशू है। जाइलम वेस्कुलर बंडल के सेंटर में पाया जाता है, जबकि फ्लोयम वेस्कुलर बंडल के साइड्स में आपको नज़र आता है। जाइलम टिक वाल पर मुश्तमिल होगा, फ्लोयम टिन वाल पर मुश्तमिल होगा। जाइलम की तीन पार्ट है, वेसल एलिमेंट, ट्रकीट और फाइबर, जबकि फ्लोयम के दो पार्ट है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। जाइलम ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ मेनली ये रूट में आपको नज़र आएगा और बाकी पार्ट में ये वाटर कंडक्शन का काम करेगा। फ्लोयम आपको लीव्स में मेनली नज़र आएगा और बाकी पार्ट में ये फूड कंडक्शन का काम करेगा। जाइलम थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट मिनरल और वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोयम सिर्फ फूड कंडक्शन की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इनकी दरमियान बेसिक फ़र्क है, आपको नज़र आ रहे हैं। जाइलम डेड सेल से बना होगा, फ्लोयम में लिविंग और डेड दोनों सेल मौजूद होंगे। ये प्लांट टिशू के हवाले से सारा की है। इस पर मैंने आपके लिए तीन वीडियो बनाए हैं, सिंपल टिशू, कंपाउंड टिशू, मेरिस्टेमेटिक टिशू, परमानेंट टिशू और आखिरी वीडियो जाइलम और फ्लोयम के दरमियान ये डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये सीख लिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।